यहाँ पे कुछ करने लायक बनानी ही है हमें सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा साइड ब्रेकआउट के लिए जीबीपी डॉलर मंथली ये नियर फोर्टी सपोर्टली के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है एंड मंथली जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशन से वीकली में आप अगर देखोगे जो क्लोज दिया वन पॉइंट टू फोर फाइव

7.50 uh, है यूरोपरो है, है आपका देखोगे वाला प्राइस में कौन सा सिक्सटीन अक्टूबर वाला जो कैंडल था वहां पर रेंज शिफ्ट करने के बाद ये ऊपर जा रहा है काफी अच्छा खासा अपॉर्ड मोवमेंट अब हम देख सकते हैं लेकिन एक जो फोर्टीन जुलाई से एक शार्प फॉल आया है उस फॉल के बाद ये जब भी ऊपर जाएगा तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आर एक्सपेक्टेड टू गेट इट तो यहां पे एवरी हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिल सकता है अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका वन पॉइंट जीरो नाइन फोर जीरो से वन पॉइंट देन उसके बाद आपका रेजिस्टेंस हो सकता है वन जीरो वन से वन की तरफ

नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है मींस ऑलमोस्ट जो उसके पहले वाला सिक्स नवंबर वीक वाला जो कैंडल है उसको ऑलमोस्ट मींस एंगल्फ मींस अबाउट नॉट हंड्रेड परसेंट इस अबाउट नाइनटी नाइन्टी फाइव परसेंट एनगल्फ कर चुका है और यहां पे अगर ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है मंथली अबोव सिक्सटी आर है सो so, इतना ज़्यादा मीन्स शार्प फॉल के लिए हमें प्राइस एक्शन को एंड ग्लोबल एज वेल एज बीओजे के एक्शन को हमें देखना है यहाँ पे डेली चार्ट में जो है वो है आपका जो फ्राइडे uh, का जो नेगेटिव कैंडल दिया है मंडे को इसके लोक नीचे फॉलो थ्रू चाहिए यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि थर्टी फर्स्ट अक्टूबर का जो मदर uh, कैंडल है उसके अंदर में ही पूरा का पूरा एक्टिविटी नवंबर मंथ का अभी तक का जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटी हुआ है तो इसको पहले ब्रेक आउट करना है आइदर साइड तो अभी एज ऑफ नाउ लग रहा है कि नीचे की तरफ करने के लिए तैयार हो रहा है क्या मंडी को ये इसके लो के नीचे क्लोज इन सच केस एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हम देख सकते हैं एन वीकली जो दिया है, वो पॉइंट फाइव फाइव सिक्स ये जो प्रीवियस वीक के नेगेटिव कैंडल है उसको एनगल्फ कर चुका है सो दैट मीन द केस अभी हमें लुकिंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए देख सकते हैं में अभी भी नेगेटिविटी छाया हुआ है ऑल दो डेली जो आर एस आई है वो है अभी फिफ्टी फोर पॉइंट टू फाइव सो इमीडिएटली अगर बाइंग करते भी हैं तो स्मॉल पोजिशन पर करना चाहिए फॉर ए मीन्स ग्रेजुअली प्राइस को ग्रेजुअली uh, फोर्टी जा जाने देना है तब जाके एक अच्छा खासा ह्यूज मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर कैंडी में वीकली जो क्लोज दिया है वो है आपका वन पॉइंट थ्री सेवन वन थ्री यहाँ पे जो

बॉक्स के रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली में भी 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं वीकली ऑलरेडी मीन ये सपोर्ट एट 42 में लेके ऊपर जा रहा है डेली ट्राइंग टू क्लोज अबोव सिक्सटी करेंटली एट सिक्सटी सो जैसे ही ये डेली चार्ट में आपका टू पीरियड

फोर्टी पे है सो so, यहाँ पे मीन्स थोड़ा सा मीन्स सीएनएच रिलेटेड स्ट्रेंथ दिख रहा है बिकॉज डॉलर पिट रहा है अभी ब्रेंड क्रूड ब्रेंड क्रूड जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका एट्टी वन पॉइंट वन नाइन ये जो सपोर्ट दिया था यहाँ हमारा सपोर्ट लेवल सेवेंटी नाइन में मीन्स लो बना के ये ऊपर जाने का प्रयास किया था यहाँ पे आपका जो मंथली चार्ट है वो रेन शिफ्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है दैट बीइंग द केस यहाँ पे 72 इज द फर्स्ट टारगेट 72 74 2.50 इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम और भी अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट इट्स मंथली वीकली में थोड़ा सा एक बार कैंडल बनाया हुआ है सो एंड उससे पहले का एक स्पिनिंग टॉप वाला कैंडल या नहीं इसको अगर नीचे की तरफ जाना है तो स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा एंड डेली में जो है वो आर बिलो फोर्टी में है ये ऑलरेडी प्रीवियस केस में आर एस फोर्टी में रेजिस्टेंस लेके नीचे आ चुका है यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन फॉरमेशन दैट मीन द केस यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड अभी आते हैं हमारा यूएस टेन ट्रेजरी अच्छा खासा सॉफ्टनेस यहाँ पे दिख रहा है वीकली क्लोज जो दिया है वो आपका है वन फोर पॉइंट फोर थ्री नाइन जीरो पे यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन है बहुत ही मस्त प्राइस सेक्शन से क्या प्राइस सेक्शन से आपका ये जो ग्रीन कैंडल का लो के नीचे क्लोज देना अभी आने वाले दिनों में अगर इस प्रीवियस वीक का जो नेगेटिव कैंडल है इसके लो के नीचे सस्टेन करता है और फर्दर डाउनवर्ड मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपका जो मंथली कैंडल है मंथली अभी भी अबोव सिक्सटी में है सो जब जैसे सिक्सटी में आएगा थोड़ा तो सा सपोर्ट लेने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ पे आपका जो डेली चार्ट है डेली चार्ट में ये हमें देखना है जो पहले का सपोर्ट था 4.55 पॉइंट वहां पे फिर दोबारा ऑलरेडी पिछले मीन्स ऑन सिक्सटीन ऑफ नवंबर को यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है आने वाले दिनों में भी क्या इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हैं एज ए रेजिस्टेंस और नॉट यूएस टू ये ट्रेजरी ये जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 4.89 पॉइंट पे आप आरएसआई देखोगे वीकली आरएसआई एस शिफ्ट टेकिंग रेजिस्टेंस एट सिक्सटी एंड Coming down, currently दो लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं यू एस टू ये ट्रेजरी अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंट हम मोवमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओनली कंसर्न इज दी आर एस आई जो अभी भी

अभी के लिए इतना ही आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा सो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए जस्ट रिमाइंडर डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एंड ए ग्रेट वीट